स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे स्मार्ट ग्रिड के बारे में। तो आइए जानते हैं ये क्या है। तो आइडिया ऐसा ये है कि हम लोग को सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करना है। वो इसलिए करना है कि आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन लगभग लाइट स्पीड पे चलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो जितनी भी बिजली बनाई गई, जैसे मान लीजिए 10 मेगावाट बिजली बनाई गई है आपके पावर प्लांट पे, ये अभी के अभी ख़त्म करना पड़ेगा। आप रुक नहीं सकते, अच्छा 10 मेगावाट मैंने बना दिया, वो लोग ख़त्म करेंगे अपना, यहाँ पे कोई स्टोरेज का सिस्टम नहीं है, बना तुरंत ख़त्म करना चाहिए। और मान लीजिए जो लोग खा रहे हैं, जैसे आपका घर बिजली खा रहा है, कोई फैक्ट्री बिजली खा रही है, वो ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगे और पावर प्लांट उतना नहीं दे रहा तो ब्लैकआउट हो जाएगा, जो मतलब बिजली कटना जिसको आप लोग कहते हैं। तो हमारे यहाँ बिजली बहुत सारे तरीकों से काटी जाती है, जैसे कोई तार कट गया या कभी मतलब उनको बिजली की कटौती की जा रही है। मैं जो ब्लैकआउट की बात कर रहा हूँ उसका सीधा ही मतलब होता है कि पावर शट डाउन हो गया क्योंकि वहाँ पावर नहीं था, वो अलग तरह का होता है, वो भी आपको देखने को कभी कभी मिल जाएगा। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा या छोटा, बैलेंस करना ज़रूरी है। जनरली हमेशा बैलेंस रखा जाता है, लेकिन समझ रहे हैं मतलब परफेक्ट रखना मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग करना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है, जैसे कि आप चाहते हो कि आप घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान लाए, फ्रिज लाए, एसी लाए, कंप्यूटर लाए, कुछ भी लाए, आप स्विच चालू करोगे, आप चाहोगे यार ये चले, बस चलो ना, मतलब आप नहीं चाहते हो कि चलाए लाइन नहीं है, बड़का सा UPS खरीदो, मतलब आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा UPS जैसे 50,000 लग गया लगभग, दो मुझे 220 एम्पावर के 250 एम्प का है, दो 250 एम्पावर का बैटरी लिया हूँ, दो KVA का साइन वेव इन्वर्टर लेना पड़ा है ताकि लाइन भागे तो मेरे को शांति रहे, मतलब टेंशन ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना लाख करोड़ रुपये हम लोग खर्च कर देते हैं सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। जनरेटर हमारे पास ऐसे नहीं रखा जाता कि कभी भूले भगत चलाएंगे, हम लोग का जनरेटर लगभग हफ्ता में 3-4 बार तो चलाना ही पड़ता है। और मतलब जो लोग ऑफिस बनाते हैं बैंगलोर जैसे जगह में भी देखिए 25-26 को जनरेटर रखे हुए हैं, बैकअप जनरेटर, खूब बड़ी बड़ी चिमनी बना के रखी हुई है कि भैया मतलब लाइन का तो भरोसा नहीं है। तो आप चाहोगे कि आपका सिस्टम स्टेबल रहे, कि मतलब आपने स्विच चालू किया आपका सिस्टम चालू हो गया, तो ये चाहने के लिए ये सिस्टम बहुत हेल्पफुल रहेगा और इससे हमारी सेफ्टी बढ़ जाएगी। सेफ्टी का मतलब आप ऐसे समझिए कि ग्रिड ब्लैकआउट नहीं होगा अगर स्मार्ट ग्रिड रहा तो। और आप लोगों को पता ही है रिन्यूएबल्स में मैंने जितने सारे वीडियो बनाए हैं रिसेंटली कि बहुत कम ही रिन्यूएबल है जो कंटिन्यूस पावर देता है। बहुत सारे रिन्यूएबल्स एनर्जी है जो मतलब कभी जैसे आपने सोलर पावर प्लांट बना दिए जो खूब बड़े बड़े हैं, सोलर पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि आजकल तो 5,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स की बात हो रही है, पैनल नहीं मतलब फार्म की, 2,000 के तो बन चुके हैं और 10,000 का राजस्थान में बनाया जा रहा है। तो इतना पावर आ तो जाएगा बात सही है, लेकिन ये लिख के नहीं दे सकते कि 10,000 मेगावाट का मान लीजिए बना दिया तो 10,000 मेगावाट 24x7x365 आएगा, 90% टाइम आएगा, लेकिन रात को तो आएगा ही नहीं सीधे, और दिन में भी मान लीजिए कभी बादल गया तो आप 100-150 मेगावाट आपका अप डाउन हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा बादल आ गया तो सीधे बंद हो जाएगा। तो सब चीज़ मिला के हिसाब ये बनता है कि आपको ऐसा चीज़ चाहिए जो इस सबको समझ सके, बैलेंस कर सके। तो इसके लिए ये पूरा इंटीग्रेटेड स्मार्ट ग्रिड का सिस्टम के पीछे लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए ऐसा चीज़ क्यों, हमारा इंटरेस्ट इतना क्यों है इस चीज़ के बारे में, हर जगह आप कहीं भी टाइप कीजिए स्मार्ट ग्रिड आपको धार से मिल जाएगा, तो इतना इंटरेस्ट क्यों है। वो इंटरेस्ट आप इसलिए समझिए कि हम बिजली बहुत पुरानी चीज़ है, मतलब बिजली हम लोगों ने 100 साल पहले से खोज लिया, समझ लिया क्या करना है, कैसे करना है, देख लिया। प्रॉब्लम यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मतलब जो इसका बैकबोन कहा जाता है, मतलब ये जो इसका नींव रखी गई वो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी पर रखी गई थी, मतलब 50 साल से पुरानी टेक्नोलॉजी पर रखी गई थी नींव, और हम लोग उसी को बढ़ाते गए, तो नींव कभी ठीक से दोबारा मतलब समझ रहे हैं मतलब आज के खपत के हिसाब से नहीं बनाया गया। जो उस टाइम था कि लाइट बल्ब है, पंखा बड़ी बात होती है, तो वो ऐसा बनाया गया था, पानी का पंप के लिए मतलब मेनली बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था ना कि कोई कंप्यूटर चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, हज़ार वो चीज़ है। तो वैसा ना होने के चलते हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आउटडेटेड है और एकदम अनबैलेंस्ड है करंट, मतलब ये समझिए औजार सही नहीं है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। दूसरा, आपको तो ये पता ही होगा कि कोई एक घर का अगर आप हिसाब लगाने बैठ गए कि एक घर में आप देखिएगा कब कितना बिजली खपत होता है, कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि अरे कभी रात को कर रहा है, कभी दिन में कर रहा है। लेकिन अगर आप एक पूरे शहर का करने लगे, वैसा कि पूरे शहर का मैं डेटा कलेक्ट करूँगा, आपको पैटर्न दिखने लग जाएगा। पैटर्न एक मैंने कहीं कभी नहीं दिखता, आपको 10, 20, 50, 60, 100 जितना बड़ा होगा उतना क्लियर पैटर्न मिलेगा। तो बिग डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर जैसे मान लीजिए आप पूरे झारखंड का सब घर में कितना बिजली खपत हो रहा है, सब फैक्ट्री में कितना खपत हो रहा है, ये सबको टाइम के हिसाब से आप एक ग्राफ में ले आए तो बहुत आराम से आपको सीधा सीधा दिखने लगेगा, अरे दोपहर 12 बजे, दोपहर के 12 बजे यहाँ पावर कंजम्पशन कम होता है, लेकिन दोपहर
2 बजे एकदम पावर स्पाइक बढ़ जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एसी 12 बजे तक उतना टेंशन नहीं लेता, लेकिन 2 बजे बहुत बिजली खाता है। तो आप रखोगे रेडी कि 2 बज रहा है, पावर प्रोडक्शन बढ़ा दो बिजली का, ताकि वो मेंटेन किया जा सके। आप देखोगे रात को 9 बजे तक ये मतलब एसी बहुत बिजली खाता है, लेकिन हाँ उसके बाद कम हो जाता है। तो जैसे ही आप 9:30 बजे आप अपना पावर कंजम्पशन कम कर दोगे, मतलब ठंडा हो जाओ, तो समझ सकते हैं कि इससे काफ़ी सिस्टम इफ़िशेंसी बढ़ जाएगी। मतलब आप कितने बिजली बनाते हैं और कितना बिजली बेचते हैं, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ऐसा है, आप ये समझिए कि पावर प्लांट है, जैसे कोई रिलायंस की पावर प्लांट है, वो 1000 मेगावाट बनाया, ठीक है, उसने बना दिया, वो आपको 1000 मेगावाट थोड़े बेच रहा है, वो आपको वही बिजली पे चार्ज कर सकता है जो आपके घर में आया, मतलब घर पे जो मीटर लगा है, लेकिन वहाँ आने तक ही वो जितना बार सब स्टेशन में गया, एक बार स्टेप अप किया गया ट्रांसफार्मर में, वहाँ बिजली गया, फिर उसको सब स्टेशन में डाला गया, वहाँ बिजली बर्बाद हुआ, सब स्टेशन से इधर उधर गया, वहाँ बिजली बर्बाद हुआ, उसके बाद सब स्टेशन से मतलब आपके ट्रांसफार्मर में आया, जो लोकल ट्रांसफार्मर है मोहल्ला मोहल्ला का, उसमें बिजली कन्वर्ट हुआ, फिर बर्बाद हुआ, फिर वहाँ से आपके घर तक आया। तो मतलब आप समझ रहे हैं, 1000 मेगावाट अगर वो बेचने के लिए मार्केट में रखा, मतलब ग्रिड में डाला, वो आपके मतलब उसका पास सिर्फ 900 मेगावाट का हिसाब आएगा, क्योंकि 100 मेगावाट सिर्फ गर्मी की तरफ बर्बाद हो गया इतना मतलब इधर जाने में, तो समझिए उनको 100 मेगावाट का नुकसान रहा। वो कम तो बना नहीं सकते क्योंकि तब वो इससे भी कम हो जाएगा, तो उनको वो बर्बादी को कम करने के लिए मैनेजमेंट करना काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसलिए कंपनी करना चाहती है क्योंकि एंड में पैसा से मतलब रखता है। अब वो लोग अपनी इफ़िशेंसी बढ़ा लेंगे, मान लीजिए 10,000 मेगावाट का प्लांट सब मेंटेन कर रहे हैं और 1000 मेगावाट का वेस्टेज को ये लोग घटा देते, समझ रहे कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इन्होंने कुछ किया नहीं, बस मैनेजमेंट अच्छा कर दी, प्रॉफिट बढ़ गई। तो ये काम कैसे करता है? इसका काम का 3 मेन हिस्सा है। पहला हिस्सा सेंसर, और ये सेंसर कैसा होगा, मतलब कोई खास फैंसी सेंसर नहीं है, मतलब ये वोल्टेज है, एम्परेज है, वॉटेज है, फ्रीक्वेंसी है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ये सब कलेक्ट करके इसको ट्रांसमिट करेगा। और आप बोलोगे कि ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी जान के या टेम्परेचर जान के क्या होगा? अगर आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जानते हैं तो आपको सारे एयर कंडीशन का उस एरिया में आपको एक अच्छा डेटा मिल जाएगा कि एयर कंडीशन, मान ली ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है और टेम्परेचर भी बहुत बढ़ गया है, एसी की जान निकल जाएगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और ह्यूमिडिटी कम है, एसी कम बिजली खाएगा। तो सबका हिसाब देखने के बाद इस तरह का डेटा अगर आप कलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर आराम से आपको ग्राफ में दिखा देगा कि हाँ ह्यूमिडिटी बढ़ने जा रहा है, तो यानी पावर प्लांट लोग रेडी कर देंगे, हाँ भैया बिजली का डिमांड बढ़ने वाला है। फिर देख रहे हैं ह्यूमिडिटी कम है तो उतना पावर प्लांट को नहीं ऊपर भेजेंगे। फिर देखेंगे टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी एसी उतना बिजली नहीं खाने वाला है, ठीक है उसको कम कर दो। तो ये बैलेंस करने के लिए आपको जानकारी तो चाहिए, जानकारी आएगा सेंसर से, और ये सेंसर हर जगह लगाया जाएगा, आपके ट्रांसफार्मर में लगाया जाएगा, आपके घर में लगाया जाएगा, मतलब जहाँ पे आप बिजली खपत हो रही है, जो बिजली मीटर है उसको ये स्मार्ट मीटर जो कहते हैं, ये आपके घर में लगाया जाएगा। और ये सब का डेटा जो है, जो मतलब ये डेटा कलेक्ट कर रहा भेजेगा, वो वायरलेस भेजेगा। फिर आप बोलोगे वायरलेस क्यों भेजेगा, सीधे एक तार क्यों ना बिछा दिया जाए? प्रॉब्लम है कि तार में, एक तो प्रॉब्लम ये है कि तार कब कटते रहता है, कब फटते रहता है, बिजली के तार से छेड़छाड़ नहीं की जाती क्योंकि पता है कि छुए तो गए, लेकिन डेटा तार के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और डेटा तार में प्लस उतना सारा डेटा तार बनाना बहुत फजीहत है। लेकिन वायरलेसली ये करना सस्ता पड़ता है, आपको ट्रांसमीटर हर में लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं वो ट्रांसमीटर महंगा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन देखिए ना कितने कम दाम में आता है आजकल, तो 1500-1600 में एक सस्ती अच्छी खासी मोबाइल आ जाती है, जिसमें मतलब उससे भी कम डेटा चाहिए इसको, इसको सिर्फ हाँ इतना पावर कंजप्शन, इतना टेम्परेचर, जो 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 भी डेटा पॉइंट है वो सिर्फ वो मतलब एक लंबा टेक्स्ट लाइन होगा, मतलब SMS के अंदर ही वो भेज सकते हैं। तो वायरलेसली ये डेटा भेजा जाएगा और आपके घर में भी एक मीटर लगाया जाए जो कुछ खासियत दे सकता है आपको। तो इसका नुकसान है क्या कुछ? हाँ, सबसे पहला कि क्योंकि ये साइबर अटैक के अगेंस्ट वल्नरेबल हो जाएगा, एंड में आप इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रहे हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़े स्केल पे, मतलब बहुत बड़े स्तर पे आप सबके पास लगा रहे हैं, मतलब हर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स लग चुका होगा, और अगर मान लीजिए कोई हैक कर लेता है तो वो पूरा देश को लटका सकता है। पहले का सिस्टम में ऐसा था कि अगर कोई बिजली का मतलब होशियारी करना चाहता उसको वहीं जाना पड़ेगा, उसको सब स्टेशन में जाना पड़ेगा, बिना उसके गए हुए वो कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई हैक कर लिया सबके स्मार्ट मीटर को, और मान लीजिए पूरा मोहल्ला का ही सिर्फ वो हैक किया, लेकिन वो मोहल्ला से ओवरलोड कर सकता है सिस्टम को। तो साइबर अटैक्स के अगेंस्ट वल्नरेबल होना एक बहुत सीरियस बात है, इसको हर मजाक में नहीं लिया जा सकता। तो कोई भी देश या स्टेट या कोई भी कंट्री अगर इस पे मेहनत करना चाहती है तो उसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि साइबर अटैक्स के अगेंस्ट कैसे खड़े हों, पहला। दूसरा, ये बहुत महंगा होने वाला है, मतलब जो जो ट्रायल किए गए हैं उसमें कोई भी ट्रायल सस्ता नहीं आया, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत खर्चा हो रहा है।
तीसरा, ये सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है, ये समझिए सिम्टम कम कर देगा। जैसे मतलब आपको सर्दी है तो आप जो दवाई खाते हो वो सर्दी हटाता नहीं, आपको बस हेडेक कम कर देगा या फीवर कम कर देगा। मतलब वो बीमारी अभी भी है, वही प्रॉब्लम इसके साथ भी है कि स्मार्ट मीटर आप लगा दिए, आप पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इफिशेंसी ही सुधार रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि नया ऊर्जा डाल रही है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया आपके पास, गया खूब सारी एनर्जी आ गई, ये सिर्फ मैनेजमेंट कर रहा है। तो क्या इसका फ़र्क पड़ेगा? अच्छा फ़र्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, लेकिन मतलब ये मत समझिए कि ये एक, आप समझिए आप अपने पुराने चक्के में अच्छा से ग्रीसिंग कर रहे हैं, ये मत समझिए कि नया चक्का लगा रहे हैं। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हटा रहा है। फिर भविष्य में क्या होगा? सबसे पहला, चूंकि इसका मास प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट ग्रिड मीटर्स बनाए जाने लगेंगे, तो वैसे करने के बाद हम लोग का दाम घटने लगेगा। जैसे जैसे पहले के मोबाइल फ़ोन आते थे, मुझे तो अभी भी याद है 8,500 का, आज से लगभग 10 या 11-12 साल पहले मेरे पापा एक कलर फ़ोन खरीदे थे, सैमसंग C100। आज 10-12 हज़ार में तो मतलब एक पूरा स्मार्टफोन आता है जिसमें कंप्यूटर, टच स्क्रीन, फुल एचडी स्क्रीन सब है। उस टाइम कलर फ़ोन बड़ी बात थी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी टेक्नोलॉजी, दाम कम होते जाएगा। दूसरा, क्योंकि आप समझिए अभी का जो सिस्टम है कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज में अभी भी ये सिस्टम लगाया गया है कि वो सबका डेटा कलेक्ट करके पावर कंपनी हैंडल करती है। तो कुछ मतलब 500-600 फैक्ट्री मान लीजिए एक स्टेट में है, ठीक है, उसको मेंटेन करना एक बंदा आराम से कर सकता है। अब आप बोलिए कितने घर होंगे उस स्टेट में? 50-60 लाख घर होंगे। 50-60 लाख घर का डेटा पॉइंट को कोई आदमी नहीं हैंडल कर पाएगा। मतलब आपको तो पूरा एक कॉलेज लेवल का मतलब टीम बैठाना पड़ेगा ताकि जाके वो डेटा, सिर्फ एक दिन का डेटा को मैनेज कर सके। तो एंड में हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किए तो हम लोग मतलब उस डेटा का मतलब नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने एक घर को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बहुत सारे घर का डेटा मिलाएंगे तो आपको एकदम सीधा, हाँ दिन में इस जगह टाइम पे बिजली खत्म होता है, इस जगह पे कम होता है, आप और बोलोगे नहीं तो वैसा तो पूरे देश में होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आप जैसे जो मतलब राजस्थान की तरफ है वहाँ सूरज अलग टाइम पे उतरता है, फिर इधर झारखंड में सूरज अलग टाइम पे ऊपर आता है। तो समझ रहे हैं, ये स्टेट बाई स्टेट आपको देखना पड़ेगा। तो सब मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका संभाल सकता है, इसका काम हैंडल कर सकता है। फिर अगर ये सब अच्छे से होने लगा तो, और हम लोग तो मैंने आपको बताई है कि सोलर पावर प्लांट और विंड पावर जो है कि आजकल काफ़ी उसका इम्प्रूवमेंट आ गया है और खूब सक्सेसफुल होने लगा है, तो वो सबको डालने के लिए सब लोग बोलते हैं ग्रिड स्टोरेज चाहिए, ग्रिड स्टोरेज चाहिए, जिस पे मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रिड स्टोरेज तो आपने बना दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बड़ा बनाना पड़ जाता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा कर दिया गया कि हाँ मतलब इतना प्रोड्यूस होगा, इतना ख़त्म हो जाएगा, तो इसका ज़रूरत जो है कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं चाहिए कुछ, लेकिन कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे, जितना एक्यूरेटली आप प्रिडिक्ट करेंगे, आप उतना मतलब अप डाउन कम कर देंगे, तो आपको 500 मेगावाट का बैटरी की जगह पर सिर्फ 50 मेगावाट का बैटरी चाहिए होगा। तो इसलिए ये करना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्मार्ट ग्रिड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कहूँगा कि इससे मेरा काफ़ी मदद होगा। और आपने अगर नहीं पसंद किया, आपको ये अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कॉमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और अगर आप सही में यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मेरा मदद बहुत होगा। ये छोटा चैनल है, आप देख रहे हैं 100 सब्सक्राइबर ही मैंने अभी क्रॉस किए हैं। तो और अगर आप खाली हैं तो घंटी भी बजा सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।